तो गाइस ये बात है, जबकि जब मेरा एक बहुत ही प्यारा सा वर्ल्ड हुआ करता था, और उस वर्ल्ड में मेरा एक ये इतना बड़ा भाई कासल भी हुआ करता था, एंड बहुत सारी चीज़ें थी इस वर्ल्ड में, वैसे ठीक कह रहा हूँ मैं अभी भी है। एंड एक दिन मैं ऐसे ही अपने भाई कासल के सामने घूम रहा था, अपने वर्ल्ड को ऐसे एक्सप्लोर कर रहा था, एंड मैं सोच रहा था कि भाई मैं बनाता हूँ एक सर्वाइवल की वीडियो अपने वर्ल्ड में। एंड तभी मेरे को भाई एक ये दिखती है यहाँ पर एक चेस्ट, एंड ये चेस्ट पता नहीं यहाँ पर कैसे आई, किसने रखी, मैंने तो इस चेस्ट को यहाँ पर नहीं रखा था, एंड मैंने इस चेस्ट को आज तक पहले नहीं देखा था। एंड मैं फिर इसको खोल कर देखता हूँ इसमें क्या है, तो इसमें मिलता है एक बुक, एंड इस बुक पर लिखा हुआ है खजाना, तो मैं भाई इसको पढ़ता हूँ, एंड इसमें लिखा हुआ है खजाना इन कासल, एंड आगे ओ भाई आगे का आप मत ही पढ़ो, रहने दो आगे का मत पढ़ो। मैं जल्दी से भाई जाता हूँ खजाना देखने के, खजाना क्या है खजाना, तो जल्दी से चलते हैं कासल के अंदर। और मैं जैसे कासल के अंदर जाता हूँ, अंदर भी भाई साहब इतनी ज़्यादा चेस्ट है, रुको पहले इस भुक्कड़ को भूख लगने लगी, पहले थोड़ा लंच कर लेते हैं। सो ओके, अभी मैंने खाना खा लिया है, एंड यहाँ पर भी यार इतनी ज़्यादा चेस्ट पता नहीं कैसे आई, किसने रखी यहाँ पर, एंड मेरा सिंहासन क्या ही प्यारा लग रहा है, ये देखो भाई साहब क्या ही मस्त लग रहा है अपना सिंहासन, क्या कह रहे हो, आपने वाली वीडियो नहीं देखी मैंने कैसे बनाया, तो यार जाओ यार देखो जल्दी से, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ जल्दी से देखो, और लाइक भी कर देना उस वीडियो को, इसको भी लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो यार। तो भाई ये तो हो चुका है सस्ता प्रमोशन, फिलहाल इस चेस्ट में मैं देखने वाला हूँ क्या है, एंड ये चेस्ट मैंने तो बिल्कुल भी नहीं रखी यहाँ पर। ओके खोल के देखता हूँ, ओ भाई साहब इतनी ज़्यादा TNT है इसमें, ओ भाई फास्ट TNT भाई, ये तो सच में खजाना है, चलो इनको बाद में देखेंगे। एंड इस वाली चेस्ट में भाई साहब ये तो लेजेंडरी सामान है, जल्दी से सारा ले लेता हूँ मैं। भाई साहब सारी चीज़ें मेरे को मिल चुकी है, चलो ठीक है, मैंने अपना सारा सामान एक्सचेंज क्यों किया, ये वाला भी ले लेता हूँ भाई, डायमंड का सामान है, अभी देखते हैं इन वाले में क्या खजाना होने वाला है। 3 2 1 इसमें, ओ भाई साहब इतने ज़्यादा एरो, लेकिन इस एरो से होगा क्या यार, ये मेरे को नॉर्मल एरो तो नहीं लग रहे हैं, चलो इनको मतलब ट्राई करके देखते हैं, इधर मैं मारता हूँ, ओ भाई क्या ही ब्लास्ट हुआ है भाई साहब, ये नॉर्मल एरो नहीं है। एंड पहले इस खजाने में देखते हैं, फिर सबको ट्राई करेंगे एक एक करके। एंड इसमें है भाई स्नोबॉल, नाम है इसका स्नोबॉल, लेकिन ये भी कुछ और लग रहा है मेरे को, चलो इसको मैं यहाँ पर ट्राई नहीं करने वाला, इसको बाद में ट्राई करेंगे। एंड अभी मैंने स्नोबॉल तो ले लिया है, ओके, एंड सारी चीज़ें मैं ले लेता हूँ, एरो भी ले लेता हूँ सारे, ओके अभी फिलहाल मैंने सारे एरो तो ले लिए, एंड TNT को मैं भी बाद में लेने वाला हूँ यहाँ से, तो अभी बाहर चलते हैं, एंड भाई सारे एरोस को एक बार ट्राई करते हैं, और भाई मज़ा आने वाला है, एंड TNT भी बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके की है। एंड भाई साहब बारिश, इसको भी अभी पढ़ना था, पढ़ ले तू भी अच्छे से, चलो अभी सबसे पहले इस पर ट्राई करते हैं, ये वाला एरो कौन सा एरो है पता नहीं मेरे को, ओ भाई साहब गेट पूरा तोड़ दिया मैंने अपने भाई कासल का, ओ भाई अपना सिंहासन देखो क्या ही मस्त दिख रहा है यहाँ से भाई, ऐसे ही ठीक है अपना भाई कासल, भाई क्या ही लुक दे दिया मैंने इसको, रुको इसको मैं थोड़ा और ठीक कर देता हूँ, एंड फिर और भी बढ़िया लगेगा अपना सिंहासन। तो ये देखो मैंने भाई बिल्कुल क्लियर कर दिया, एंड अभी देखो भाई क्या ही मस्त लग रहा है अपना गेट, एंड कासल भाई मतलब मस्त लुक आ रहा है बाहर से ही, सिंहासन भी दिख रहा है, एंड सिंहासन भाई साहब एक नंबर लग रहा है। तो क्या नाचो मैं? चलो अभी और कुछ ट्राई करते हैं यहाँ पर, एंड इसको मैं भाई इस वाले टावर पे यूज करने वाला हूँ, ओ भाई साहब टावर ही खत्म हो गया, ये देखो पूरा टावर गायब हो चुका है, ओके, एंड ये पता नहीं कौन सा तीर था, मस्त चला भाई। एंड अभी इस वाले पर ट्राई करते हैं एक बार, ये वाला टावर, और ओके एंड अब ये वाला टावर पूरा खत्म नहीं हुआ है, अबे यार ये बारिश क्यों पड़ रही है। सो ऑलराइट गाइस, बारिश तो बंद हो चुकी है, एंड ये मेरे कासल में क्या कर रही है रुक तेरे को बताता हूँ, और आज तो मैं अपना पूरा का पूरा वर्ल्ड भाई खराब ही करने वाला हूँ। क्या बोलता है, क्या समझता है, भैंसों को नेट जो बनाओ इसका। ओ भाई साहब ये भी गया, एंड एक एरो यहाँ पर भाई ऊपर एकदम मिडल में, ओके, एंड भाई साहब क्या ही, ओ भाई साहब ये मैंने क्या बना दिया, रुको ये देखो भाई साहब क्रीपर का फेस लग रहा है मेरे को भाई, मेरे को थोड़ा बहुत भाई बिल्कुल क्लियर नहीं है, मगर भाई साहब क्रीपर का फेस लग रहा है ये पूरा का पूरा भाई साहब। एंड अभी भाई साहब स्नो बॉल को ट्राई करते हैं, एंड इसको मैं ट्राई करने वाला हूँ यहाँ पर, नाम है सिर्फ इसका स्नो बॉल, ओके, ये भाई एक तरीका ग्रेनेड, ओ भाई सारे चेस्ट का सामान बाहर, एंड भाई लैग हो गया मेरा फ़ोन भाई लैग हो गया भाई, ग्रेनेड था ये, एंड देखते क्या किया इसने भाई, अरे अरे यार और फेंक दिए। 2000 years later. So भाई ये देखो आप, मेरी सारी की सारी चेस्ट जल चुकी है, एंड भाई साहब कितना गंदा ग्रेनेड था ये, एंड ये टावर पे भी आग लग गई भाई साहब, कासल में मेरे आग लग चुकी है भाई साहब, क्या ही मस्त था ये भाई, ये तो मस्त है। एंड सोचो भाई TNT कितनी ज़्यादा खतरनाक होगी भाई साहब, यही इतने ज़्यादा खतरनाक है एरोज। एंड ये देखो भाई गधा नहीं जला, गधा कैसे खड़ा है साइड में, रुको इसको मैं देखता हूँ, मरा नहीं अभी भी नहीं, चलो भाई अभी फाइनली मर चुका है वो, एंड उधर मेरा जंगल है, एंड इसको भी जलाते हैं जल्दी से जंगल को, मैं यहाँ पर ग्रेनेड डाल देता हूँ 2-3, ओके, एंड भाई अब होगा गंदे वाला लैग,
ओके एंड सामने विलेज भी है मेरा, तो विलेज को भी भाई फोड़ेंगे, लेकिन विलेज को भाई टीएनटी से, विलेज को ऐसे नहीं फोड़ सकते, विलेज को टीएनटी से फोड़ेंगे। भाई साहब कितनी ज़्यादा मेहनत लगी थी मेरे को इसको बनाने में, एंड भाई ये देखो 2 मिनट में मैंने पूरा कचरा कर दिया है मेरा कासल का, ये देखो भाई साहब। अभी चलते सामने, एंड सामने जो मैंने बनाया था तो वहाँ पर चलते हैं एंड उसकी खबर लेते पहले। ओके ये रहा भाई अपना सेंटा क्लॉस, एंड भाई क्या ही मस्त लग रहा है। तो मैं जो कह रहा था ना आपसे रियलिस्टिक लगेगा, अभी बताता हूँ कैसे लगेगा ये रियलिस्टिक। ओके मैं यहाँ पर थोड़े ब्लॉक के ऊपर खड़ा हो जाता हूँ। ओके अभी ठीक है। ओ भाई साहब यार गलती से मैंने एरो छोड़ दिया यार, वो फूट गया। मैं मतलब थोड़ा बताने के बाद फोड़ता तो मज़ा आता, मतलब रियलिस्टिक ये लगेगा, ये जो है ना अपना सेंटा क्लॉस भाई, इसको मैं रावण बनाने वाला हूँ। एंड इसका मुंह फोड़ते हैं सबसे पहले, ये देखो। ओ भाई मुंह खत्म पूरा, और बोल देखो भाई क्या ही नीचे गिर रही है कैसे। ओ भाई साहब अभी इसका पेट, एंड ओ भाई पेट भी गया, एंड मैं इसको बिल्कुल ही खत्म करने वाला हूँ। ओके ये एरो लगाया, ये भी इसका हाथ गया एक, मजा रहा है सर। इसके पैर बच रहे थोड़े बहुत। ओके ये खत्म हो जाए बस। ओके तो भाई साहब क्या ही मज़ा आया भाई, पूरा का पूरा मैंने तोड़ दिया, एंड बनाने में कितनी ज़्यादा मेहनत लगी थी, मैंने 2 सेकंड में तोड़ दिया। एंड अभी चलते हैं भाई स्लाइम फार्म के पास, इसकी खबर ले लेते हैं थोड़ी। एंड इस पे तो भाई मैं पहले एक एरो मारता हूँ, एंड फिर ग्रेनेड डालेंगे इस पे। तो नीचे है भाई स्लाइम, देखो कितने हैं नीचे, एक है, एंड बाकी दिखते नहीं है क्योंकि इतनी ज़्यादा हाइट है, तो होंगे नीचे स्लाइम। मैं यहाँ से ग्रेनेड डालता हूँ, देखो वर्क करते हैं कि नहीं करते। अरे भाई लैग हो गया। ओ ओ भाई साहब ये देखो कितना ज़्यादा नीचे हो चुका है, एंड भाई भाई ड्रिप स्टोन, एंड ओ भाई एंडरमैन गया, एंडरमैन येरा कहाँ से आ गया भाई, वाटर कहाँ पे था भाई। ये देखो केव वगैरह निकल रही थी साइड में से, जो मैंने बनाया था बहुत मेहनत लगी थी, 2 मिनट में मैंने तोड़ दिया भाई। अपने स्लाइम फार्म का तो मैंने भाई मतलब सत्यानाश कर दिया, एक बेड रह गया, चलो बेड को भी ख़त्म कर देता हूँ मैं। ओके एंड ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, पूरे अपने वर्ल्ड को सर्विया ना क्या कहते हैं उसको, सत्यानाश या जो भी सर्वनाश जो भी कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ वो अगर आपको जानना है तो वीडियो के एंड में बताऊँगा, इतनी जल्दी क्या है। यहाँ पे पहले लाओ को भी ख़त्म कर लेते हैं, एंड पूरे वर्ल्ड को मैं, ओ भाई लाओ में कुछ भी नहीं हुआ भाई, पहले रुको पहले बात पूरी कर लेते यार, मतलब पहले मैं पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर लेता हूँ, पूरा ख़राब कर देता हूँ, क्या कहते हैं उसको, सर्वनाश जो भी होता हो यार, समझ जाओ बस, तो वो कर लेता हूँ पूरा, एंड फिर वीडियो के एंड में आराम से बताता हूँ ना क्यों किया मैंने। तो ग्रेनेड तो भाई इस पर भी बनता है डेजर्ट पे, तो डेजर्ट पे भी फोड़ते हैं यार। ओके एंड डेजर्ट को क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ मेरे हिसाब से। अभी भाई टीएनटी को ट्राई करते हैं, टीएनटी कौन कौन सी है। ओके इसमें है, तो चलो सारी टीएनटी ले लेते हैं कौन कौन सी है। तो ओके गाइस मैंने ले लिया सारी। अबे यार पिकैक्स अपने आप ही चल रही है लैग की वजह से। चलो पहले तो यहाँ पर टीएनटी लगाता हूँ, सिंहासन को फोड़ता हूँ एक। ओके मैंने फ्लिंट एंड स्टील भी ले लिया है, एंड यहाँ पर टीएनटी लगाता हूँ ये। एंड भाई ये ऐसी टीएनटी को लग रही है जैसे फेक हो, ये देखो भाई इसके मतलब टेक्सचर कैसे हैं। चलो जैसे भी अपने को क्या लेना, देखते कैसे फटेगी। ओके ये मैंने इंगेट कर दिया है, एंड अभी मैं दूर जा रहा हूँ। वैसे मेरे को नहीं लगता इतनी ज़्यादा तेज़ फूटने वाली है जैसे इसका टेक्सचर है वैसे, मगर कवर देख के भाई किसी बुक को नहीं पहचानना चाहिए। वाह क्या ही डायलॉग कब से मारने लगा मैं भाई, कुछ हुआ लैग। ओ भाई इतना बड़ा, मैंने कहा भाई डायलॉग मैंने सही मारा था मतलब। ओके भाई साहब इतनी ज़्यादा देर हो चुकी है, एंड लैग फिक्स तो होने का नाम नहीं ले रहा, एंड ज़मीन देखो भाई कैसे फट रही है। ओ भाई साहब क्या ही रियलिस्टिक लग रहा है, बिल्कुल रियल लग रहा है, जैसे भाई भूकंप आता और ज़मीन फटती है ना वैसे भाई इसमें भी फट रही है रियल की तरह। ये तो भाई कैसी दरारें पड़ चुकी है, एंड लैग फिक्स होने का नाम नहीं ले रहा, ज़मीन किस तरीके से फट रही है यार, मज़ा आ गया इसको देख के तो। एंड आपको भी मज़ा आया तो यार वीडियो को लाइक कर दो, एंड भाई साहब ये तो मस्त थी। चलो एंड ओके एक चीज़ मैं भूल चुका हूँ, रुको आगे के मैंने टावर फोड़ दिए, एंड पीछे के रह रहे हैं। चलो पीछे वालों की खबर लेते हैं, एक एक टीएनटी यहाँ पर भी लगा देते हैं। एंड भाई यहाँ पर तो मेरे को नहीं लगता मैं फोड़ पाऊँगा, इतने ज़्यादा लैक हो रहा है, मैं भाई पहुँच ही नहीं पा रहा वहाँ तक। एंड अभी तक मतलब टीएनटी का एक्सप्लोजन चल रहा है, देखो भाई यहाँ पर ये देखो, ओ भाई साहब कैसे देखो ज़मीन फट रही है, यहाँ पर ये लाइन बनती जा रही है। ओ भाई क्या ही डिज़ाइन बन चुका है ऊपर से, ओ भाई साहब क्या ही मस्त डिज़ाइन बना यार, ये देखो। एंड और ये देखो साइड से भी दिखाता हूँ, साइड से तो और भी मस्त बना है एकदम परफेक्ट यार, मतलब दो दो ब्लॉक छोड़ के भाई साहब, ये देखो दो दो ब्लॉक छोड़ के ब्लॉक टूट चुके हैं भाई, क्या ही मस्त डिज़ाइन लग रहा है यार। ओके मैं आ चुका हूँ विलेज में, एंड यहाँ पर लैग नहीं हो रहा है चलो। एंड मेरे को ये वाला घर सबसे ज़्यादा बेस्ट लग रहा है, बैनर कितने ज़्यादा लगे हुए हैं इसमें। तो सबसे पहले भाई तेरे को ही फूटना पड़ेगा, सॉरी नहीं, अरे न्यूक टीएनटी ये क्या हुआ, ओ अरे भाई ये क्या कर रही है, एंडरमैन की तरह आवाज़ निकाल रही है तो। ओबे भाई साहब ये देखो गायब हो जा रही है, और भाई एंडरमैन की तरह आवाज़ निकाल रही है। चलो इसको इंगित करते हैं जल्दी से। ओके एंड चलते हैं एंडरमैन वाली टीएनटी को फोड़ते हैं, फर्स्ट टाइम मैं एंडरमैन टीएनटी फोड़ रहा हूँ। अरे
ये क्या था? अरे अरे अभी तो कुछ नहीं हुआ था। ओ भाई, ओ भाई साहब इतना बड़ा। भाई यार यार लैग क्यों हो रहा है यार? 2000 years later. एंड भाई साहब इतनी देर बाद एक्सप्लोजन हो रहा है। भाई ये देखो अभी तक एक्सप्लोजन ही हो रहा है। भाई मैं आगे पीछे भी नहीं चल पा रहा हूँ, कितना हग रहा है यार मेरा डिवाइस। वैसे डिवाइस की कोई गलती नहीं है, इतने बड़े बड़े मैं टेक्सचर पैक अगर डालूंगा तो यही होने वाला है। एंड भाई ये देखो मेरा गेम कितना ज्यादा लैग हो रहा है, आधा घंटा हो चुका है। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मतलब ज्यादा ही हो गया कुछ, मतलब इतनी देर से मैं अपने आयरन फार्म पे नहीं पहुंच पाया यार। एंड अगर आपको ऐसे मतलब इतने ज्यादा लैग में खेलने के लिए कह दिया जाए माइनक्राफ्ट, तो आप मेरे को कमेंट करके बताओ आप खेलना पसंद करोगे या नहीं करोगे, बताओ यार। एंड ऐसा वर्ल्ड मतलब खेलोगे या नहीं खेलोगे जैसा मेरा हो रखा है अभी फिलहाल में। तो ओके गाइस मैं अपने मतलब कास्टल से दूर आ चुका हूँ। एंड यहाँ पर मैंने भाई ग्रेनेड डाला था, तब तो कुछ नहीं हुआ था। एंड अभी देखो भाई साहब कितना ज़्यादा गहरा हो चुका है। हमने विलेज है हाँ, जो मैंने आपको दिखाया था पिछली वीडियो में जब मैं भाई सेंटा बना रहा था, तो ये वही वाला विलेज है। एंड वहाँ से मैं इतनी दूर इसलिए आ चुका क्योंकि भाई वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा लैग हो रहा है। वैसे मैं सोच रहा था वहाँ की मतलब आयरन फार्म वगैरह को भी डिस्ट्रॉय करूँ, लेकिन नहीं कर सकते यार, क्या करें। मतलब सारे एरो वगैरह एंड ग्रेनेड तो मैंने भाई सारे मतलब ट्राई कर लिए एंड आपको दिखा दिए। एंड अभी फिलहाल इस वाले टायर पर मतलब खंबे जैसे टावर पर ही कुछ करते हैं, TNT को फोड़ कर देखते हैं। ये तो मैंने फोड़ ली है, ये वाली भी फोड़ ली है। एंड गॉड TNT तो आप पुणे पिछली वीडियो में देखी थी पार्ट 1 में, तो इसको भी मैं यूज़ नहीं करने वाला। और हाँ अगर आपको देखना है कि गॉड TNT कितना ज़्यादा एक्सप्लोजन करती है, तो नाम से ही पता चल रहा है गॉड है, कितना ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन होता है। एंड मैं इसमें वाली वीडियो में इसलिए नहीं फोड़ने वाला क्योंकि यार बहुत ज़्यादा लैग करता है डिवाइस, तो मैं मतलब रिस्क नहीं लेने वाला। अगर आपको देखना है तो मैंने पिछली वीडियो में रिस्क लिया था पार्ट 1 में, वो देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। रात हो रही है तो फिलहाल तो माइनिंग TNT लगा देता हूँ यहाँ पर एंड बाकी फिर सो जाएंगे। चलो एक TNT फोड़ देता हूँ इस टावर पे एंड चलते पीछे। ये थी भाई माइनिंग TNT। ओके ओके फटा। एंड टावर टावर का तो भाई आधा गायब। चलो जल्दी से अब सो जाते यार विलेजों में ही, मतलब विलेज के घर में ही। सोने के बाद भाई उसी घर को सबसे पहले जलाएंगे। ओके मे आई कम इन विलेजर? विलेजर तो है ही नहीं। चलो सो जाते जल्दी से। ओके गुड मॉर्निंग गाइस। एंड जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि भाई जिसमें अरे बाहर आ यार, जिस घर में मैं सोऊंगा पहले उसी घर को फोड़ेंगे, तो ये लगा दी मैंने भाई और अपने वादे को मैंने निभा दिया। एंड आप भी यार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और वादे को निभाओ। वैसे आपने वादा तो नहीं किया था, तब यार वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब। ओ भाई क्या ही एक्सप्लोजन किया इसने, इतनी खतरनाक खतरनाक TNT है। ओके और इसको मैं फोड़ता हूँ जल्दी से। ये मैंने कर दिया इंगेट। ओके जा भाई तू फूट। ओके चलो भाई फायर TNT से ये वाला खंभा भी गया, और कोई खंभा ये रहा, एक खंभा और बच रहा है, तो इस पे भाई 500 बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा। भाई ये वाला रिस्क भी मैं नहीं ले सकता भाई, बहुत ज़्यादा लैग हो जाता है। तो फास्ट TNT लगा देते हैं। ओके इसको इंगेट करता हूँ मैं। ओके एंड ये तो बहुत ज़्यादा फास्ट थी यार, इसमें क्या है भाई, इसको एक बार इंगेट करके देखते हैं। ओ भाई साहब क्या हुआ, इससे भी कुछ नहीं हुआ। चलो 100 वाली को देख लेते हैं इसमें क्या होने वाला है। ओके ये मैंने लगाया डेजर्ट में एंड इंगेट। ओके ये फटा, 100 था भाई ये, 100x। चलो देखते हैं इससे बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन होने वाला है। वैसे मैं दूर जाता हूँ लैग हो रहा है मेरा डिवाइस। एंड भाई साहब क्या ही व्यू लग रहा है देखो, मतलब मैंने डेजर्ट के बीच में जो छेद कर दिया भाई, इससे कितना ज़्यादा बेकार नहीं मस्त लग रहा है यार, कितना ज़्यादा मस्त लग रहा है ये व्यू। एंड ऐसा लग रहा है पहाड़ हवा में उड़ रहा है। एंड भाई ये देखो भाई, ये देखो भाई साहब 100x TNT की पावर देखो कितनी ज़्यादा भाई छेद कर दिए। एंड ऐसा लगा जैसे भूकंप आ गया हो एंड पूरा ख़राब कर दिया भाई। एंड ये देखो क्या ही मस्त है, ओ भाई 100 वाला ये देखो। एंड सोचो भाई गॉड TNT एंड भाई 100 TNT एंड 500 TNT कितनी ज़्यादा पावरफुल होगी। एंड हाँ अगर आपको देखने है गॉड TNT का एक्सप्लोजन, तो भाई जाओ ना पार्ट 1 देखो जल्दी से, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। समझ में आ रहा है? तो गाइस अभी मैं बताता हूँ इसके पीछे का राज के भाई मैंने अपना कास्टल क्यों फोड़ा और पूरा वर्ल्ड इतनी ज़्यादा मेहनत से मैंने बनाया था सर्वाइवल का वर्ल्ड, ये क्यों फोड़ा। एंड एनिमल बारम भी देखो फूट चुका है, मैंने नहीं फोड़ा था, वो कास्टल के साथ उसकी बलि चढ़ चुकी है। मतलब आपने सुना होगा गेहूं के साथ चना भी पिसता है, जो भी हो भाई, मतलब ऐसे इतने डायलॉग में कहाँ से मार रहा हूँ, आज याद करके आया हूँ बहुत ज़्यादा। तो चलो खैर छोड़ो, अभी मैं मुद्दे पे आता हूँ, आपको बताता हूँ ये मैंने सर्वाइव वर्ल्ड क्यों फोड़ा। तो सबसे पहले तो आप लाइक के बटन को फोड़ दो एंड सब्सक्राइब के बटन को भी फोड़ दो। तो भाई सबसे मतलब बात ये थी, ये जो मैंने सर्वाइवल का वर्ल्ड बनाया था ना इतनी मेहनत से, भाई इसको तो मैं नहीं फोड़ सकता। जी हाँ सही सुन रहे हो आप, मैं इसको तो नहीं फोड़ सकता। लेकिन ये मैंने कैसे फोड़ा, तो मतलब उस वर्ल्ड का मैंने कॉपी किया था एंड कॉपी करके भाई सारा चीज़ हो चुका है। शाबाश।
तो भाई समझ रहे हो ना, सही मैंने आपका कार्ड दिया। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। इतनी ज़्यादा टेंटिस थी एंड मस्त स्टोरी भी लग रही थी, तो मैंने भाई यही कहा, सोचा कि यार ठीक है चलो। एंड कैसी लगी वीडियो, कौन सी टेंटी एंड कौन सा एरो आपको मस्त लगा, ग्रेनेड कैसा लगा कॉमेंट करके बताओ। एंड हाँ, सर्वाइवल की वीडियो आ जाएगी, बहुत जल्द आएगी। एंड अपना वर्ल्ड बिल्कुल सेफ है यार, एंड क्रिएटिव भी यूज़ किया मैंने इसमें, क्योंकि ये सर्वाइवल वीडियो नहीं थी, माइनिंग मतलब कॉपी था इस वर्ल्ड का, तो उसको माइंड मत करना। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और वीडियो अगर पसंद आई हो जरा सी भी तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, टिल देन टेक केयर। And I'll be searching, I'll be lurking, I'ma hurt 'em. And all these bridges that I'm building, I'ma burn 'em. Burn 'em, burn 'em, burn 'em.